श्रम की सारंगी में अपने तन को बजाते रहिए, अपने प्रयासों की डोरी में हौसलों के धनुष को चलाते रहिए, अपने प्रयासों की डोरी में हौसले के धनुष को चलाते रहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक किस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के ब्लूप्रिंट के बारे में। दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन में जाने के पहले ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से ब्लूप्रिंट आएगा आपके क्लास 12th के एग्जामिनेशन में। आपका ब्लूप्रिंट क्या होगा, किस बेसिस पर आपका क्वेश्चंस बनेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्लूप्रिंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन को गेन करना, ये काफी 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बता देता हूँ किस तरह से बोर्ड के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, उसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस को उसके बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन करके जाए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। यूपी बोर्ड 2022-23 क्लास 12th 4 मार्क्स का दोस्तों आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, पैराग्राफ, डिबेट में से कोई एक चीज आपको देखने को मिलेगी। या तो आर्टिकल मिल जाए, या रिपोर्ट मिल जाए, या स्पीच मिल जाए, पैराग्राफ, डिबेट। दोस्तों, स्पीच, पैराग्राफ और डिबेट के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही लेस है। तो या तो आर्टिकल्स आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे या रिपोर्ट मिलेंगे। यदि दोस्तों आपको आर्टिकल समझने में प्रॉब्लम है तो मैंने आर्टिकल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया, उसको बेहतरीन तरीके से आप देख लीजिए, पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। रिपोर्ट का वीडियो आने वाले समय में मिल जाएगा आपको। 4 मार्क्स का लेटर एप्लीकेशन, चाहे लेटर आ जाए आपके एग्जामिनेशन में, चाहे एप्लीकेशन, या फिर और के अंदर एक लेटर और एक एप्लीकेशन दे दी, बहुत अच्छे तरीके से हमने अपने यूट्यूब चैनल पर वेरी इंपॉर्टेंट लेटर्स और वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अपलोड किए हैं, जाकर उन्हें पूरा का पूरा देख लीजिए। नेक्स्ट चाहिए 4 मार्क्स का नोटिस आएगा, पोस्टर आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा। इन तीन में से कोई एक आएगा तो एडवर्टीजमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, चाहे पोस्टर आ जाए, चाहे नोटिस आ जाए, ये आपका 4 मार्क्स का बनेगा। 10 मार्क्स का दोस्तों अनसीन पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज आपको 10 मार्क्स का देखने का मिलेगा ही, और इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑप्शन वाले सवालों की आने की रहती है। अच्छा अनसीन पैसेज आता है, ट्रिकी आता है, फैक्चुअल आता है, इसको बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। 4 मार्क्स का नोट मेकिंग आता है, जिसमें आपको दोस्तों अब देखिए नोट मेकिंग समरी में से, अब समरी लिखने के लिए एग्जामिनेशन में नहीं आता, आप सिर्फ नोट्स लिखना है, टाइटल लिखना है, और टाइटल के साथ साथ नोट्स, टाइटल और साथ में एब्रीवेशन का यूज करना है आपको। यदि आप नहीं जानते हैं नोट मेकिंग समरी क्या है तो यूट्यूब पर सर्च करिए हाउ टू राइट नोट मेकिंग समरी बाय हिमांशु सर, बेहतरीन वीडियो मिलेगा। नोट मेकिंग समरी में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद। 10 मार्क्स का दोस्तों ग्रामर आएगा, जहां पर डू एस डायरेक्टेड आपको 5 मार्क्स का रहेगा और फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का रहेगा। दोनों में साथ साथ क्वेश्चन रहेंगे, आपको पांच पांच क्वेश्चंस करने हैं। 5 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, फ्लेमिंगो से आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। इसके अलावा 3 मार्क्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, 3 मार्क्स का पोएट्री से आपको देखने को मिलेंगे एक्सट्रैक्ट आपके, ठीक है। एक्सट्रैक्ट तो एक प्रोज एक पोएट्री से, फ्लेमिंगो से दोनों देखने को मिलेंगे, एक प्रोज और एक पोएट्री। 4 मार्क्स का दोस्तों एक्सट्रैक्ट फॉर सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर के तौर पर आपको एक्सट्रैक्ट देखने को मिल सकता है 4 मार्क्स का, यानी मिलेगा ही। 25 मार्क्स का फ्लेमिंगो से क्वेश्चंस रहेंगे, जहां पर 5 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे फ्रॉम प्रोज, और 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री। 2 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे फ्रॉम प्रोज। इसके अलावा 1 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम पोएट्री, पोएट्री से। और 7 मार्क्स का विस्तार से क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप फ्रॉम सप्लीमेंट्री। ये रहा पूरा का पूरा बोर्ड का पैटर्न, इस पैटर्न पर बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यदि आपने इस तरह से प्रिपरेशन नहीं की, आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, यही एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, तो इसी बेसिस पर पढ़ाई करिए और चीजों को कंप्लीट कीजिए जिस प्रकार से क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने सारे के सारे डू एस डायरेक्टेड की वीडियो नहीं देखे हैं, 7-8 पार्ट के अंदर वीडियो बने हुए हैं, उनको देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपके डू एस डायरेक्टेड के रॉन्ग नहीं होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, कंटिन्यूस एक ही वीडियो देखिए, नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिलते हुए चले जाएंगे, सीखते चलिए, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। वैसे हमने ऑफलाइन बैच के अंदर 3 मॉक टेस्ट लिए हैं, 3-3 घंटे के, बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पर। तो यदि आप वो पेपर को आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, वो पेपर आपको मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे बोर्ड एग्जाम में। चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यदि सब्सक्राइब करेंगे आप तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, क्योंकि बहुत डेली के डेली आपको वीडियोज यहाँ पर मिलते हैं और डेली के डेली वीडियोज अपलोड होंगे, बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है सारे सॉल्व किए जाएंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, जय हिंद।